राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैं तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारूं। हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं। रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजे प्रभु अरज हमारी। निस दिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं होई।
करे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहूँ पुर जाना। तब भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारी सुरन प्रतिपाला। नाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाय। ब्रह्मा दिक तब पार न पावे, सदा ईश तुम्हरो यश गावे। चारिन वेद भरत हैं साकी, तुम भक्तन की लचारा की। गुड़ गावत शारद मन माही, सुरपति ताको पार न पाई। नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चारयू वेदन जाई पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूछे तुम कीनो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत सोभारा, पावन को तुम्हारो पारा। भरत नाम तुम्हरो बहुन रण में हारो। नाम शत्रु हन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लशन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यम हूँ किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीता नाम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र ले जाई। चरणन में लोटत सिद्धि अठारह मंगलकारी। सो तुम पर जावे बलिहारी, और जो अनेक प्रभुताई। सो सीतापति तुम ही बनाई, इच्छा ते कोटिन संसारा।
रचत न लागत पल की वारा। जो तुमरे चरणन चित लावे ताकि मुक्ति अब सही हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा निर्गुण ब्रह्म अखंड अनुपा। सत्य सत्य सत व्रत के स्वामी सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम्हरो जो गावे सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरी पति की ही तुमने भक्त ही सब सिद्धि दीनी। सुनहु राम तुम तात हमारे तुम ही भरत कुल पूज प्रचारे। तुम ही देव कुल देव हमारे तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे जय 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 दशरथ के दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा नमो नमो जय जगपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा नाम तुम्हार हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया बजी दुंद भी शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन तुम ही हो हमरे तन मन धन। या को पाठ करे जो कोई ज्ञान प्रकटता के उर होई। आवागमन मिटे तिही केरा सत्य वचन माने शिव मेरा। और आस मन में जो होई मन वांछित फल पावे सोई। तीनहु काल ध्यान जो ल्यावे तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे सो नर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरिदास कहे अरु गावे सो बैकुंठ धाम को जावे। सात दिवस जो नेम कर पाठ करे चित हरि दास हरि कृपा से अवसि भक्ति को पा।
राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए, जो इच्छा मन में करे सकल सिद्धि हो जाए। ओम श्री दशरथये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदया। दशरथये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदया। दशरथये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदया। श्री दशरथये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदया। 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 श्री दशरथये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदया।
तन्नो रामा प्रचोदया। श्री दशरथये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। दशरथये विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया। दशरथ अजर बिहारी सब संता।
ताड़ का मार गिराए। बचा लो लक्ष्मण
कृष्ण भाई। राम ने फिर आवाज लगाई, लंग
लाभ थे लांघे। दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको दशहरे के पावन पर्व की कथा सुनाएंगे, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि श्री राम ने जब रावण का संहार किया था, तो इसी उपलक्ष में विजयदशमी अर्थात दशहरे का पर्व मनाते हैं। प्रिय भक्तों, श्री राम प्रभु ने रावण सहित अनेकों दैत्यों का संहार करने के लिए अवतार लिया था, किंतु आज हम जानने की चेष्टा करेंगे कि रावण जो एक ऋषि पुत्र और महान शिव भक्त था, उनके संहार के लिए स्वयं विष्णु जी को श्री राम अवतार में क्यों आना पड़ा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे भक्तों ऋषि पुलत्स्य महान, सब वेदों के ज्ञाता थे जो हुए बड़े विद्वान। करने तपस्या महागिरी पर्वत पर जो चले आए, वहां खेलने आ जाती थी ऋषियों की कन्याएं। जिनके कोलाहल से ऋषि का ध्यान भंग होता, ऋषि पुलस्य ने कई बार उन्हें आने से रोका।
किंतु फिर भी आकर वो वहां करती क्रीड़ाएं। ऋषि पुलत्सिक ध्यान को जो के बार बार भटकाए, फिर तो वो कन्याओं पर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, बार बार ध्यान भंग होने पर ऋषि पुलत्स को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी कन्या मुझे दिखाई देगी वो गर्भवती हो जाएगी। इतना सुनकर सभी कन्याओं ने वहां आना छोड़ दिया, किंतु श्राप की इस बात से अनभिज्ञ राज ऋषि तृणबिंदु की पुत्री हविभ्रुवा एक दिन ऋषि पुलत्स के आश्रम में आ गई। जब ऋषि पुलत्स की दृष्टि उन पर पड़ी तो वो तत्काल ही गर्भवती हो गई। प्रिय भक्तों, जब इस बात का पता ऋषि तृणबिंदु को चला तो अपनी कन्या को लेकर वो ऋषि पुलत्स के आश्रम में आए और विनती करने लगे कि हे ऋषिवर, मेरी कन्या ने भूलवश आपके आश्रम में प्रवेश किया था, किंतु आपके श्राप से ये गर्भवती हो गई। कृपया इसे पत्नी रूप में अपना कर मेरी मर्यादा भंग होने से बचाएं। ऋषि पुलत्स ने उनकी विनती को है मान लिया। हविभुरवा और पुलस ऋषि ने फिर तो विवाह किया। हविभुरवा गर्भ से फिर एक पुत्र का जन्म हुआ है। पति पत्नी ने अपने पुत्र को विश्रवा नाम दिया है। जो बड़े होकर पिता के जैसे हुए बड़े विद्वान, करके कठिन तपस्या उन्होंने अर्जित कर लिया ज्ञान। महामुनि भरद्वाज की पुत्री जिनका नाम इड़बिड़ा, ऋषि पुलत्स्य ने अपने पुत्र का उनसे विवाह किया। ऋषि विश्रवा भी फिर वंश को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, ऋषि विश्रवा का विवाह मुनि भारद्वाज की पुत्री इड़बिड़ा से संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, जब इड़बिड़ा और ऋषि विश्रवा को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को वैश्रवण नाम दिया, जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी और धनाध्यक्ष बना दिया तथा उन्हें मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया। धन का स्वामी बनाने के कारण इनका नाम कुबेर हुआ। प्रिय भक्तों, उसी समय पर राक्षस राज सुकेश के तीन पुत्र थे। तीनों बड़े ही क्रूर राक्षस थे, जिनके नाम माली, सुमाली और माल्यवान थे। तीनों भाइयों ने तीनों ही लोकों में आतंक मचा दिया था। तब सभी देवताओं की विनती पर विष्णु जी अपने गरुण पर सवार होकर इनसे युद्ध करने आए और उन्होंने अपने सुदर्शन से माली और माल्यवान के शीश काट दिए। तब सुमाली भयभीत होकर पाताल में आकर छिप गए। सोच रहा है सुमाली ये पाताल लोक में आके विष्णु जी और देवों से हम कब तक रहेंगे छिपकर। पुत्र या नाती कोई वंश में हमारे ऐसा हो, महाबली महाप्राकर्मी जो
अपने मन ही मन में उसने योजना एक बनाई। अपनी पुत्री कैकसी उसने अपने पास बुलाई और योजना अपनी पुत्री को समझाई है। ऋषि विश्रवा के पास कैकसी फिर चली आई है। षड्यंत्र को ऋषि विश्रवा समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, सुमाली की पुत्री कैकसी बड़ी ही सुंदर थी और ऋषि के आश्रम में आकर अपनी कलाओं से उन्हें मोहित करके उनसे विवाह कर लिया। जब ऋषि विश्रवा को सुमाली और कैकसी के षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र दैत्य प्रवृत्ति के होंगे। इसके पश्चात कैकसी ने उनसे विनती की कि हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप है कि मैंने अपने पिता की बात मानकर आपसे विवाह किया, किंतु अब मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ, अतः मुझे श्राप मुक्त करें। अपनी पत्नी की बात सुनकर ऋषि विश्रवा कहने लगे, मैं तुम्हें श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला एक पुत्र विष्णु भक्त और चिरंजीवी होगा। कैकसी और विश्रवा का जो प्रथम है पुत्र हुआ, जिसको ऋषि विश्रवा ने दशग्रीव है नाम दिया। उनका दूसरा पुत्र तो कुंभकर्ण कहलाया है और तीसरे पुत्र ने नाम विभीषण पाया है। एक पुत्री भी हुई है उनकी, नाम दिया सुरपनखा। तीन है भाई एक बहन, परिवार यही रावण का। ऋषि पुत्र होने के कारण हुए बड़े विद्वान, माता राक्षस कुल पुत्री थी तब ये हुए बलवान। शिक्षा दीक्षा पिता के सानिध्य में ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार दशग्रीव ने अपने पिता विश्रवा के सानिध्य में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इधर एक दिन माता पार्वती और शिव में वार्तालाप हो रहा था, तो माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो सब देवों के भी देव हैं, फिर भी कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। इसके विपरीत इंद्रादि सभी देवगण सब ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं। मेरी इच्छा है कि आप स्वर्ग से भी सुंदर एक नगरी का निर्माण हमारे लिए करवाएं। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, किंतु वो जब जिद करने लगी तो भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया है, एक स्वर्ण नगरी का फिर निर्माण कराया है। ऐश्वर्यों से युक्त ऐसा तो होगा स्वर्ग नहीं, देख स्वर्ण नगरी को माता बड़ी प्रसन्न हुई। किंतु गृह प्रवेश करने का जब है समय आया, भोलेनाथ बोले के पहले जाए यज्ञ कराया।
ऋषि विश्रवा को जिसके लिए हमें निमंत्रण देना, यज्ञ हवन होते ही चाहे गृह प्रवेश कर लेना। भोलेनाथ फिर ऋषि विश्रवा को ही बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ में जब विश्वकर्मा जी द्वारा स्वर्ण नगरी जो कि लंका के नाम से जानी गई, इसका निर्माण करवाया, जब गृह प्रवेश की बारी आई तो उन्होंने यज्ञ के लिए ऋषि विश्रवा को आमंत्रित किया, जिनके साथ उनकी पत्नी कैकसी भी आई थी। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात जब दान और दक्षिणा के लिए ऋषि विश्रवा की इच्छा पूछी गई तो उनकी पत्नी कैकसी के कहने पर दान में वो स्वर्ण नगरी ही मांग ली, जिसका माता पार्वती ने स्वयं के लिए निर्माण करवाया था। भोलेनाथ ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि विश्रवा को सोने की लंका दान में दे दी, किंतु माता पार्वती इससे बड़ी ही क्रोधित हुई और कैकसी को श्राप दे दिया कि एक दिन इस स्वर्ण नगरी का तुम्हारे कुल सहित नाश हो जाएगा। माता पार्वती ने ही ये भक्तों दिया था श्राप, एक तो इसी श्राप के कारण बढ़े रावण के पास, दूजा श्राप इन्हें नल कुबेर की पत्नी ने दिया है, क्योंकि दुराचार रावण ने उससे भी किया है। माँ सीता के पूर्व जन्म की भी है एक कथा, माँ सीता का नाम है भक्तों वेदवती तब था, विष्णु जी का ध्यान लगा कर जब ये बैठी थी, आकाश मार्ग से जाते हुए रावण की नजर पड़ी, अपने पुष्पक को रावण नीचे ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विजयदशमी के रूप में ही इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, दस ग्रीव को भोलेनाथ ने ही रावण नाम दिया था, इसके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे, किंतु इस समय रावण को मिले श्रापों का हम वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला श्राप तो इनके पिता विश्रवा का ही था, इसके बारे में हम बता चुके हैं। दूसरा श्राप माता पार्वती ने इनकी माता कैकसी को दिया था, जब छल पूर्वक इन्होंने लंका को दान में मांग लिया। तीसरा श्राप इन्हें अप्सरा रंभा के कारण नल कुबेर ने दिया था, जो कि इनके सौतेले भाई कुबेर के पुत्र थे। बात उस समय की है जब रावण स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर मोहित हो गया। इस पर रंभा ने रावण को बताया कि मैं नल कुबेर की अर्धांगिनी बनने जा रही हूँ, इस प्रकार मैं आपकी पुत्र वधु हूँ, किंतु रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब ये बात नल कुबेर को ज्ञात हुई तो उसने श्राप दिया कि यदि तुम किसी पर स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू लोगे तो तत्काल तुम्हारे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक और श्राप इन्हें वेदवती ने दिया था। एक बार जब वेदवती विष्णु जी की तपस्या में लीन थी तो रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहे थे। रावण ने देखा कि कोई अप्सराओं जैसी कन्या अकेली वन में तपस्या कर रही है, तो रावण ने तत्काल ही अपना पुष्पक विमान नीचे उतारकर वेदवती से दुराचार करना चाहा। वेदवती ने तत्काल अपने प्राण त्याग दिए, किंतु रावण को श्राप दे दिया कि पर स्त्री के प्रति तुम्हारा मोह
ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। प्रिय भक्तों, रावण को भगवान श्री राम के पूर्वज राजा अनरण्य ने भी श्राप दिया था। जो रघुवंशी राजा थे, एक युद्ध में रावण के हाथों ही राजा अनरण्य मृत्यु को प्राप्त हुए। तब प्राण त्यागने से पहले उन्होंने भी श्राप दिया कि मेरे ही वंशज के हाथों तुम भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। प्रिय भक्तों, इतना ही नहीं, रावण को उसकी बहन सूर्पनखा ने भी श्राप दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्पनखा का विवाह विद्युत जिह्व से हुआ था, जो कि राजा कालकेय का सेनापति था। जब रावण और कालकेय युद्ध हुआ तो विद्युत जिह्व की भी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर सूर्पनखा ने भी रावण को श्राप दे दिया कि मैं ही एक दिन तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। किंतु भक्तों, ऐसा नहीं है कि रावण पापी ही था, वो महान शिव भक्त भी था। इसके साथ ही महापराक्रमी और वेदों का ज्ञाता भी था। चारों